दिन मैंने घर बैठ के लोगों को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं घर बैठ के सरकार पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं घर बैठ के अपने पड़ोसियों को नहीं देख रहा हूँ, मैं घर बैठ के अपने रिश्तेदारों को जज नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं घर बैठ के अपनी स्किल और डेवलप कर रहा हूँ। तो यही आपको करना है। तो सबसे पहले पोहा जो हम देंगे, ये हमारे ग्रेट 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 फादर, आज होटल मैनेजमेंट कर लिया होता तो मतलब किसी होटल में बैठे बैठे होते और ऐसे ही लगा होता, ऐसा लगा होता और ऐसा एक हाथ से तीन प्लेट पकड़ने की टेक्निक आ जाती। पर ठीक है, लाइफ लाइफ आपको वही सिखाती है जिसके आप कदरदान हो। बस 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 दो चम्मच डाल लेते हैं और हमने चार चम्मच डाल दिए हैं। यही होता है, हम बोलते हैं स्टूडेंट से कि इतना पीपीडी यूज करो पर वो पूरे डब्बी यूज कर लेते हैं। सर मत करो यार, बहुत महंगा होता है। मुझसे नफरत करने वाले कमाल का हुनर रखते हैं, मुझे देखना भी नहीं चाहते और मुझ पर ही नजर रखते हैं। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम देवर्ण अग्रवाल है। क्या करें घर पर, सबसे बड़ा लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि क्या करें। भैया अपने घर वालों की मदद करो, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आज मेरी माँ की मदद पोहा बनाकर। हालांकि पोहा बन रहा है हम तीन लोगों के लिए, मेरी मम्मी, मेरे फादर और एक मैं जो घर पे हैं। तो आज हम पोहा बनाएंगे और अपने टाइम को इंजॉय करेंगे और देखेंगे किस तरह से मैं पोहा बनाता हूँ। तो इंजॉय कीजिए। सो देखिए दोस्तों, मेरे पास में यहाँ पर क्या क्या सामग्री जो मैंने मेरी माँ ने सिखाया है, मुझे पोहा बनाना नहीं आता है, मेरी मम्मी ने ये पूरा सेटअप लगाया है। और सच बताऊं तो ये जो वीडियो एडिटिंग जो कर रही हैं, जो कैमरा पकड़ी है, वो मेरी माँ है। तो क्या क्या है, कढ़ाई हमने ली है, अब वो किस कंपनी की है मुझे पता नहीं। और ये गैस स्टोव है, अभी मैं इसको जलाता हूँ, सूर्य का मेरा स्टोव है। यहाँ पे स्मिता के मसाले हैं, हमारे पास एक फैक्ट्री है स्मिता, काफी अच्छी, जबलपुर में फेमस। मतलब मेरे ख्याल से जबलपुर में जितने भी लोग कहीं से मसाले लेते हैं ना, तो वहीं से लेते हैं। दूसरा मैं बताता हूँ कि मैंने एक नैपकिन अपने पास में रखा हुआ है। मसाले की बात मैं अगर आपसे करूं तो देखिएगा यहाँ पर क्या क्या मसाले, आप थोड़ा पास में आके दिखा दें। तो मेरे पास राई है, राई जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि राई वाले पोहे बनाओ। मेरे पास में जीरा है और मेरे पास में ये क्या है, बोलो बोलो क्या है, गरम मसाले। ये मेरे पास में, मैं एक्चुअली प्रो नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ट्रेनी हूँ और ये मेरा पहला दिन है, तो भैया थोड़ा कंफ्यूज तो मैं भी होऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास एक साफ पानी है, थोड़ा सा धनिया है। आप थोड़ा सा विचार कर रहे होंगे कि सर आपके पास में दो चीज नहीं है जो आप पोहे में डालते हैं, वो है टमाटर और वो है प्याज। सो पहली बात, मैं प्याज हम लोग खाते नहीं है, हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं प्याज को, और टमाटर मुझे पसंद नहीं है दोस्तों, तो मैंने इजीली टमाटर नहीं खा। और यहाँ पर देखिए पोहा को ऑलरेडी हमने थोड़ा भिगो के रखा हुआ है और अब ये सूख रहा है। ये सिर्फ तीन लोगों के लिए पोहा है और इसकी जो क्वांटिटी जो उन्होंने छानी है, ये मेरी माँ ने छानी है। और अब यहाँ पे और बताने के लिए, ये यहाँ पे अगर आप क्लोज लेके आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में तेल है, रिफाइंड तेल है। और ये कौन सी कंपनी का तेल है, आरो, आरो, आरो कंपनी का यहाँ पर तेल यूज किया जा रहा है। यहाँ हमने ऑलरेडी प्लेट्स रख ली हैं और कुछ चम्मच के साथ में। सो चलिए पहले हम स्टोव को साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्टोव जलाएंगे यहाँ पर, करंट लगता है। कितने उसमें रखना है, मीडियम में रखना है, देख लीजिए आग को कितने में रखना है। जिनको पोहा बनाना नहीं आता है वो सीख लें, ठीक है। इस बार मैं कोई भी फीस नहीं लूंगा, नहीं तो देवेंद्र अग्रवाल हर बार चार्ज करता है। अब देखिए अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या बताइए। तेल डालेंगे अब हम, थोड़ा सा पास आइए, हाँ तेल डालेंगे, देखिए ओके। कितना डालना है, बस दो चम्मच डाल लेते हैं और हमने चार चम्मच डाल दिए हैं। यही होता है, हम बोलते हैं स्टूडेंट से कि इतना पीपीडी यूज करो पर वो पूरे डब्बी यूज कर लेते हैं। सर मत करो यार, बहुत महंगा होता है। और बताइए क्या करना है, इसको गरम होने देते हैं और अब इंतजार करते हैं। और कढ़ाई, बस मेरे को ये देखिए, ये चलने के लिए कढ़ाई क्या है, मेरी मम्मी भी थोड़ी प्रो नहीं है, तो कैमरे को अगर हिले दुले तो दोस्तों प्लीज माफ कीजिएगा, थोड़ा स्टेबलाइज अगर नहीं आए, क्योंकि अभी मैं लाइटर ठिकाने पर रख दिया है। ये सराई बोलते हैं इसको पकड़ने के लिए, और ये कलची हो गई चलाने के लिए, और ये पानी हो गया शुद्ध, सारी चीजें अपनी जगह पे है। अब क्या करना है, तेल गरम जैसे ही तेल गरम होगा, फुलफुले मारेगा तेल, उबाल मारेगा, तो हम पहले उस पर राई डालेंगे। मिर्ची काट लो तब तक दोस्तों, मिर्ची काट है छोटी छोटी। तो मिर्ची काटने के लिए कैंची का यूज मैं इसलिए करता हूं क्योंकि आप नाइफ, आप छुरी से भी काट सकते हैं, पर अगर
यहां पर मिर्ची मैं देखिएगा इस तरह से बहुत अच्छे से मैं काट लूंगा, छोटे छोटे में जितना पीस मुझे चाहिए। और सबसे अच्छी बात है अगर मैं छुरी से काटूंगा तो इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मिर्ची के वो मेरे हाथ में जाएंगे, फिर मुझे जबरन हाथ भी धोना पड़ेगा और ये हाथ से मेरी आंखों में भी जा सकते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये खराब वाली निकाल दी, बहुत अच्छी और मिर्ची यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है जो हम लोग ने सुबह ही लाए हैं पुलिस से बच बचा कर। और वो तो मुझे डर लग रहा था मेरे फादर जा रहे हैं कहीं सोटाई खा कर ना नहीं मतलब इतना 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 डर है, इतना डर है कि अभी गेट के बाहर में भी अगर मैं निकला हूं, मैंने ऐसे किया तो मुझे लगता है कि जैसे सारे दिन सुनता हूं तो वैसे ही भाग कर अंदर आ जाता हूं इतना डर है। तो चलिए मिर्ची काट दी है, तेल थोड़ी सी आंच भरा ले गया, थोड़ा हो गया गरम, तो अभी क्या करना है राई डाल दें, पूरी डाल दें एक साथ या आपके साथ भी हो सकता है ऐसे ही स्टूडेंट भी करता है दोस्तों, एक बार मेरे बोल नहीं हो पाती है कईयों से तो बात नहीं। अभी क्या करना है, हाँ जीरा डाल देते हैं, ओके मिर्ची थोड़ी सी, मिर्ची डालने के बाद मैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तेल ऊपर आता है, ये देखिए गैस कम कर देते हैं और बताते जाइए। तो दोस्तों ये पोहा बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, हमारा जो तरीका है हम आपको बता रहे, हो सकता है आप ये पोहा डालने के बाद डालें। तो यहाँ पर हमने लाल मिर्ची डाल दी और हल्दी हमने थोड़ी सी डाल दी, नमक इसके ऊपर डाल दो और नमक देखिएगा हम पोहे पर डाल रहे हैं। मम्मी आप कैमरे में देखो ना, हाँ नमक हमने देखो पोहे में डाल दिया है, थोड़ा कम डाल देंगे भले ही बाद में ज्यादा डाल दें, ठीक है। अब क्या करें, दोस्तों सच बताऊं बिल्कुल मजा आ रहा है, किचन वाली फीलिंग आ रही है, लाइफ में आज तक नहीं बनाया होगा। अब पोहा और हाथ से डाले और हाथ धो ले, सैनिटाइज ऐसे है ये देखिए हमने हाथ धो के रखे हैं ऑलरेडी, ये फैला के इसलिए डाला जाता है क्योंकि नहीं तो वो लुब्धी बन जाएगी पोहे की। तो ये हमने पोहा डाला, ये डाल दिया, अब गरम मसाला इसके ऊपर डाल देते हैं, धनिया डाल देते हैं, धनिया मेरी माँ ने काटा है, मैंने नहीं, हमारे फादर नहीं खाते बस धनिया हमको छोड़ के, बाकी सबको छोड़ के। और तो देखिए इस तरह से मैंने पकड़ लिया, थोड़ा सा पास लाइए, मेरी माँ कह रही है चुप रहना, नहीं, मैं चुप। अच्छा आप चुप रहे, तो आप अच्छा कढ़ाई में इस तरह से हम पकड़ भी सकते हैं, ये हल्दी कम डाली है तो हल्दी थोड़ी सी और डाल देते हैं। दोस्तों अगर पोहे में अगर कुछ भी कमी आए तो कमेंट करके बताइए कि क्या डाल सकते हैं, हालांकि पर हम बता दे रहे हैं प्याज हम खाते नहीं है, धीरे धीरे चला टूटेंगे। अच्छा तो आपको धीरे धीरे चलाना, नहीं तो ये पोहे टूटेंगे आपके। क्या बात है यार, मतलब एक नंबर पोहे बना रहा हूं मैं यार, मतलब अब फैला के छोड़ देना है आपको और इसको ढक देना है 2 मिनट के लिए और गैस बंद कर दूं। क्या बात कर रही हो, ये तो मतलब नई टेक्निक है क्या कोई, थोड़ा भाप से हो जाता है। अच्छा ये गैस बंद कर दिया और हमने इसको ढक दिया है। तो दोस्तों ये हमने ढक दिया है और ये हमारा जो पूरे स्टेप है वो क्लियर हो गए हैं। अब हम इसको प्लेट को बाजू में रख देते हैं और भाई अगर आपने प्लेटें यूज की हैं तो आपको ढकना और उसको पूरा धोने की भी आदत है, तो मैं धोने का वीडियो तो नहीं बनाऊंगा पर मैं साले प्लेटें धोऊंगा भी, ध्यान रखिएगा, हालांकि मैं धोने नहीं वाला वीडियो में खाली नहीं मैं दूंगा। तो अभी क्या करना है, ये सारी चीजें खाने वाली प्लेट, अच्छा पहले ये सारी प्लेटें पोंछ लें हम यहां पर। आज होटल मैनेजमेंट कर लिया होता, थोड़ा ऊपर दिखाइए, आज होटल मैनेजमेंट कर लिया होता तो मतलब किसी होटल में बैठे बैठे होते और ऐसे ही लगा होता, ऐसा लगा होता और ऐसा एक हाथ से 3 प्लेट पकड़ने की टेक्निक आ जाती, पर ठीक है लाइफ आपको वही सिखाती है जिससे आप कदरदान हो। तो अगर कैमरा हिल रहा है तो माफी चाहता हूँ, मैं फिर से माफी चाहता हूँ क्योंकि कैमरा हम बिल्कुल नॉन प्रो एक महिला के पास में है, हाथ में है। अब इसको हटा देते हैं, अब हो गया पोहा है,
दिखाइए दिखाइए दिखाइए, थोड़ा पोहा ला के दिखाइए। क्या बात है क्या बात है। तो अब हमारा पोहा तैयार। मतलब मैंने पोहा बनाया, मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मतलब यकीन से बाहर है। आपके लिए दूं या सिर्फ तीनों के लिए? पोहा हमने मम्मी ने तो मतलब, पर इतना जब अच्छा पोहा बन जाता है तो कम बनता है यार, और जब मतलब वैसा पोहा बनता है ना चालू टाइप का तो ज्यादा बन जाता है यार। फिर बोलते हैं जबरदस्ती पोहा लोगे, नहीं नहीं बचा हुआ है पोहा लोगे है? तो देखिए हमारे पोहे की प्लेटें तैयार हैं। यहाँ पर इसको हम कर देते हैं अलग, और अब हम नींबू काटेंगे। तीन प्लेट नींबू भी काट लेते हैं। ये है मेरा नींबू, काटने के लिए मैंने ये यूज कर लिया है। थोड़ा पास आइए। और नींबू, आहा मुंह में पानी आ गया होगा, और वो जो गए हुए वो उठा लेंगे, टेंशन नहीं लो, नहीं तो इतने इतने में कमेंट आ जाते हैं। तो जिसको कम नींबू मिले वो उसकी किस्मत, हालांकि सबको ज्यादा मिल गया है। ऊपर दिखाइए नमकीन, तो बाकी हम नमकीन खुद भरक लेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरी छोटी सी मुहिम, कि मैंने घर बैठ के 21 दिन, मैंने घर बैठ के लोगों को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं घर बैठ के सरकार पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं घर बैठ के अपने पड़ोसियों को नहीं देख रहा हूँ, मैं घर बैठ के अपने रिश्तेदारों को जज नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं घर बैठ के अपनी स्किल और डेवलप कर रहा हूँ। तो यही आपको करना है। तो सबसे पहले पोहा जो हम देंगे, ये हमारे ग्रेट 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 फादर, चम्मच के साथ आइए पिताजी, ये हमारे फादर फादर, ये मेरे फादर हैं। और पापा ये पोहा खाओ और बताओ, थोड़ा सा आपको नमकीन है, और अभी खा के बताना, ये आपके लड़के ने बनाया है, देखने में तो अच्छा लग रहा है ना, ये भी खा के बताओ जरा जनता को। नमक कैसा है क्या है? फाइन। तो थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो। बस बस, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।